नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। यह कहानी है ग्वालियर थाना इलाके के चंदन नगर में रहने वाली महिला की, जो अपने जीजा के घर त्योहार के मौके पर रहने गई थी, जहां उसके जीजा ने उस दौरान उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और चुप रहने की धमकी दी। वह अपनी लोक लाज के डर से महिला ने अपने मुंह बंद रखा, मगर जब बात हद से गुजर गई तो उसने यह पूरी बात अपनी बहन को जीजा द्वारा उसके साथ की गई कारतूत उजागर कर दी। मगर उसकी सगी बहन ने भी अपने ही पति का पक्ष लेते हुए पीड़िता को ही चुप करा दिया। इसके बाद तो मानो महिला की हिम्मत ही टूट गई। इस बीच महिला के पति ने भी अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी की हिम्मत और बढ़ गई और उसका जीजा भवानी सिंह ने अपनी ही साली के साथ जबरदस्ती कर उसको बरसों तक शारीरिक शोषण किया। उसी दौरान जीजा ने पीड़ित महिला पर दबाव बनाकर उसकी संपत्ति भी हड़प ली और उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़ित महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अपनों से सताए महिला ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो वहां से भी उसे धुतकार कर भगा दिया गया, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के लिए बलिदान दिवस के मौके पर। क्या नाम है आपका? कैलाशी बात। हम कैलाशी बात जी, क्या परेशानी आपकी, क्या चाहते हो? मतलब मेरे जीजा जी ने मेरे साथ गलत किया, मेरा पूरी जमीन जायद छिना ली, मेरा मकान छीन लिया, मैं किराए से रहती हूँ सर, और मेरे से मेरी बेइज्जती करी और मेरी इज्जत लूटी सर उसने, और अब कहता है मैं 70 साल का हूँ, अब कहता है मैं 70 साल का हूँ, और जब कै साल का था, 16 साल का, जब मेरे साथ बेइज्जती करी तूने, ये मेरी संपत्ति छीनने के लिए करा जी काम, मेरी पूरी संपत्ति छीन ली इसने, और आज मुझे बच्चे ठाठी दे रहे हैं इसके तीनों, और क्या कहते नहीं मेरे। क्या चाहते हो आप लोग? मैं साहब न्याय चाहती हूँ, मेरी यह पढ़ाई होना चाहिए और बमानी से कुछ मुझे दिलवाया जाए। क्या नाम है आपके, कौन लगता है आपका? मेरा जिया जी लगते हैं। क्या नाम है? बमानी बात। हम अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही का लदेड़ी का। आप रहते हो? मैं ज़्यादा चंदन नगर की कलारी पे। अच्छा, तो आपकी पूरी जमीन? हाँ, मेरी जमीन छीन ली, मेरा मकान छीन लिया, मेरी जो पैसा धन था सब ले लिया। क्या चाहती हो आप? मेरा कुछ मुझे इज्जत का मिलना चाहिए सर। हाँ, मेरे संग न्याय होना चाहिए सर, इसको दंड मिलना चाहिए, इसको जो जाने मेरे साथ मजे किया है उसका दंड तो मिला जाए इसको, बस। एक शिकायत आई थी लिखी, जिसको कि जांच के लिए थाना प्रभारी क्राइम के पास भेज दिया गया है और उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।